हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रोहित। और आपका स्वागत है एक वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल वीडियो पे। तो वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप वेबसाइट से अपनी आपकी अगर कोई वेबसाइट है उसमें पर्टिकुलर पोस्ट या कोई ऐसा पेज है, अगर आप वहां से ऐड हटाना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक आपको एग्जांपल लूँगा। जैसे कि आप इस वेबसाइट देख रहे हैं और यहाँ पर एक मीनू है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टाइज़। तो एडवर्टाइज़ मीनू जनरली हर वेबसाइट ओनर रखता है, और इसका खासियत ये होती है कि इसमें आप अपने व्यूवर को बताते हैं कि अगर वो आपकी वेबसाइट के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है तो इसमें आप अपने ईमेल को उसको शो करते हैं। तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ईमेल अपना शो कर रखा है, लेकिन दिक्कत की बात यह है क्योंकि अगर आप ऐड अपने वेबसाइट में WP कोड्स जो प्लगइन है इसके थ्रू लगाते हैं, जनरली अपनी पोस्ट में एड्स लगाने के लिए जनरली ज़्यादातर वर्डप्रेस के जो ओनर होते हैं वो यही प्लगइन का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। लेकिन इस प्लगइन की बेकारी ये होती है कि जैसे आप इसे यूज़ करते हैं पोस्ट में एड्स लगाने के लिए, तो ऑटोमेटिकली ये सारे पोस्ट्स या पेज में एडवर्टाइजमेंट दिखाने लगता है। जहाँ पे ज़रूरत नहीं भी होती वहाँ पे भी दिखाने लगता है, जैसे कि इस पेज में कोई ज़रूरत नहीं थी कि ऐड दिखाने की, लेकिन ये यहाँ भी दिखा रहा है। वेल, मिस एड इस पेज में एडवर्टाइजमेंट सिर्फ अपने ईमेल आईडी दिखाना चाहता था, लेकिन ईमेल आईडी तो एकदम छोटी सी दिख रही है। सबसे ज़्यादा जो है एड्स दिखाई दे रहे हैं, और जो कि एक ख़राब इम्प्रेशन बनाते हैं व्यूवर के माइंड्स में, क्योंकि ढेर सारे एड्स दिख रहे हैं। तो काफ़ी ज़रूरी है कि इन तरह के एड्स को हटाना। तो वेल, इसे कैसे हटाया जाता है? सबसे पहले आपको उस पोस्ट या उस पेज पे जाना होगा जहाँ पे आपने इस एड्स को हटाना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले आप जाएंगे अपने वर्डप्रेस के अकाउंट में, उसके बाद आपको उस पोस्ट या पेज पे नेविगेट करना पड़ेगा जहाँ पे आपको ये एडवर्टाइजमेंट हटाना है। तो फ़िलहाल मैंने ये पेज में क्रिएट किया है, तो मैं जाऊँगा ऑल पेज पे। वेल, ऑल पेज पे जाने के लिए ये है वो जो मैंने पेज क्रिएट किया जिस पे एड्स आ रहे हैं, जिसमें हम एडिट पे क्लिक करेंगे। वेल, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सिर्फ डिटेल दिख रही जो मैंने यहाँ पे डाल रखी है, लेकिन आपको ये डिटेल ना के बराबर दिख रही, आधे से ज़्यादा इसमें एड्स दिख रहे हैं। तो चलिए अब बताते हैं कि इसे कैसे हटाना है। तो इसके लिए हम जो भी आप जैसे अब इस पोस्ट में आएंगे तो आपको इस सबसे नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा इस पेज के। तो अगर आप WP कोड्स प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ज़्यादातर यूट्यूबर यूज़ करते हैं, तो जैसे आप सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा WP कोड्स हाइड एड्स। तो यही एक ऑप्शन है जहाँ से आप पर्टिकुलर पेज में एड्स हटा सकते हैं। तो वेल, यहाँ पे आपके पास काफ़ी ऑप्शन है। अगर आप नहीं चाहते कि कोई अगर आप चाहते कि कोई भी एड्स आपके इस पेज पे ना आए, तो सिंपली आपको पहले वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग में कोई ऐड ना आए तो हाइड सेट ऑन बिगनिंग करेंगे। अगर आप चाहते हैं बीच में ना आए तो आप ये वाला चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि लास्ट में, यानी कि इस पेज के लास्ट में अगर कोई एड्स ना आए, यानी कि जैसे कि आप देख सकते ये सब ऐड अगर ना आए, तो आपको ये वाला ऐड पर क्लिक करना होगा। फिलहाल मुझे नहीं लगता इस पेज में कोई भी एड्स आने चाहिए, तो मैं पहले वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा जिस पे लिखा है हाइड्स ऑल एड्स ऑन दिस पेज, यानी कि इस पेज में जितने भी एड्स हैं ये सारे के सारे हाइड हो जाएंगे। तो ये वाला मैंने ऑप्शन चूज़ कर लिया है, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक अपडेट वाला ऑप्शन आएगा, इसको आपको क्लिक कर देना है। वेल, ये पूरी तरह से जो है पेज अपडेट हो चुका है। अब हम इसे करेंगे रिफ्रेश। तो वेल, आप देख सकते हैं कि ये मैंने पेज रिफ्रेश कर दिया है, और आप देख सकते हैं इस पेज के सारे एड्स हैं अब हट चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन बन रहा है, सारे एड्स हट चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई एड्स अब नहीं बचा है, तो ये एक अच्छा इम्प्रेशन बनेगा। तो वेल, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप एक पर्टिकुलर पेज में एड्स हटा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपके पास ये WP कोड्स प्लगइन होना चाहिए जिसकी मदद से आप अपने पोस्ट्स में एड्स लगाते हैं। तो काफ़ी आसान है, बस आपको उस पेज आर्टिकल पे जाना होगा, आर्टिकल के नीचे स्क्रॉल करना होगा। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कहाँ पे आप एड्स हटाना चाहते हैं, तो जो भी आप चूज़ करेंगे वहाँ से वो ऐड हट जाएगा।
तो वेल ये था तरीका। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा वर्डप्रेस का। इस तरह के और अच्छे ट्यूटोरियल के लिए और बैंकिंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।